सिर्फ शेर को देखने के लिए आ रहा है, सिर्फ टाइगर को देखने। स्वागत है आप सभी का फिर से रिज वेरी व्लॉग में। आज हम लोग आए रानी बाग, सलमान और मैं ही आए, हम दोनों ही आए बस और कोई नहीं आया। बहुत दिन बाद दिख रहा है सलमान व्लॉग में। अभी हम लोग ने टिकट लिए दो, अपना 50 रुपये की कुछ टिकट और बाइक पार्किंग का कुछ 5 रुपये दिए। अभी यहाँ से देखेंगे, नंबर लगाएंगे। आज मंडे है, मंडे में इतनी पब्लिक नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। बाकी संडे में तो इससे डबल रहती है। चलो चलते सीधा अंदर, अभी आगे का माहौल दिखाते हैं आप सभी। यहाँ का पूरा मैप है, हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री मारे। कहाँ गया गेट? हाँ ये गेट है, यहाँ से एंट्री मारे। अभी यहाँ से पूरा घूम के फिर डन जाएगा। इसको मैप का स्क्रीनशॉट मानो, स्क्रीनशॉट मानो। कटिंग में लायन का है, पर यहाँ लायन आया ही नहीं। इधर आई एम कमिंग सून लिखे लगा कुछ, हाथी भी अपनी दिख रही थी साथी। तो लायन से हम लोग थोड़ा दूर जाते, साथ ही हमें हाथी दिख जाता है। और पूरे ग्राउंड में एक ही हाथी था। ये भी चढ़ रहा है ऊपर, में आ गया दूर दिख रहा है। और परंट में आने का हाँ। तो हम लोग कुछ देर भालू मियाँ के नखरे देखकर टाइगर देखने के लिए चले जाते। सिर्फ शेर को देखने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइगर को देखने। जो आपको ये टाइगर खेलते कूदते दिख रहे हैं, हमें ये 2 घंटे पहले सोते हुए दिख रहे थे। ये मेरा 3री बार है जो मैं टाइगर देखने आया जागते हुए। अगर आप रानीबाग जा रहे हो तो ट्राई करो, या तो एकदम सुबह में जाओ या तो शाम के टाइम। करते हैं थोड़ा नाश्ता, कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे। समोसा बर्गर भी देगा तो बर्गर खत्म है, अभी समोसा लिए और कोक पी के जाते आगे। बाहर आओ, बाहर आओ यार, मुझे कॉन्टेंट चाहिए मुझे। हिप्पो भी बाहर अंदर बैठे ले, उसका वेट करना पड़ रहा है, वेट कर रहे हैं इसलिए बैठ गए हम लोग यहाँ पे। बाहर आएगा जब देख के जाएगा, शूट करके जाएंगे, देखेंगे थोड़ा टाइम, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे जाएंगे। हम लोग ने वहाँ पर 10-15 मिनट वेट किया, पर साला बाहर ही नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ से आगे चले गए। मेरे से ज्यादा एदी तो ये हिप्पो दिखता यार भाई, वेट वेट करके हाँ। हमको नहीं आने लग गई, मैं सोचा दुनिया में सबसे ज्यादा एदी मैं, ऊपर मेरे से ज्यादा एदी है यहाँ दिख गया भाई। पानी के अंदर जा रहा है, निकल रही नहीं है, उसके चक्कर में हम लोग कब से बैठे। यहाँ पर है लिपर्ट्स और हाइनो, ये दोनों नसीब होते कि नहीं। चीता भी हम लोग को पहली बार में सोते हुए ही दिखा था, हम लोग ने दूसरी बार ट्राई किए तो हमने जागते हुए दिखा, क्योंकि दोपहर के टाइम ज़्यादातर सब जानवर सोते ही रहते। सांबर
चीच पेंगुइन जिसको हम लोग देखे नहीं अभी तक, बाकी सब देख चुके तो इससे पहले पेंगुइन देखेंगे बाहर। यहाँ भी कुछ टिकट है, मेरे को पता नहीं है, देखते हैं टिकट है कि नहीं। और इसका तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना है, एकदम बड़ा पर्सनली स्टेशन है भाई, ये एकदम मस्त बनाया है। यहीं से ऐसी ऐसी लगी रही, टिकट तो लिए नहीं मेरे ख्याल से, अंदर है कि क्या पता, आइडिया नहीं है, देखते हैं। टिकट मेरा फ्री है अभी तो भाई मैं पहली बार दे रहा। इसके लिए सेपरेट पूरा एसी का रूम बनाया है क्योंकि इन लोग ठंडी में रहते हैं। अगर ये पेंगुइन जितने भी है सब बाहर से लाए गए हैं और ये सिर्फ इंडिया में रानी बाग में ही है और कहीं भी नहीं है। वहाँ से हम लोग कुछ दूर चलने के बाद एक्वा बर्ड पानी पक्षी का एक अलग से पार्क बनाया गया और ये बहुत खूबसूरत है, इसकी एंट्री इतनी मस्त थी। खुले में पूरा परिंदे है, यहाँ पे जा भी नहीं सकते, नहीं भागे तो इसलिए देखो वहाँ पे ऐसा कुछ जाली जैसा लगाया है कि परिंदे बाहर ना आए, इसलिए पूरा ओपन है यहाँ पे। बाकी बहुत मस्त दिख रहा है। हाँ, ये पार्क में जितने भी परिंदे हैं सब पानी वाले परिंदे हैं। परिंदे यहाँ से कहीं उड़ के बाहर ना जाए इसलिए यहाँ पे चैन जैसे लगा के रखा है, एंट्री और एग्जिट दोनों जगह। हाँ, तो यहाँ तक का ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग रानीबाग में और भी छोटी मोटी बहुत जगह बंदर इंदर छोटी मोटी चिड़िया के पार्क थे वहाँ पे भी गए थे, पर मैंने डाला नहीं वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो आ जाती और कुछ इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं था। और मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए तो देख रहा है 1,000 सब्सक्राइबर हो गए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मुझे 1,000 सब्सक्राइबर करने के लिए। 1,000 एक छोटा सा नंबर है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1,000 जन अगर एक साथ खड़े हो तो कितना ज़्यादा जन हो जाएगा। तो मुझे 1,000 सब्सक्राइबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले इंशाल्लाह भी आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत लेट वीडियो डालता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करो हर हफ्ते या हर वीक में एक ना एक मेरे ब्लॉग आते रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।